इसमें रही वरमक़ा महमद वाले मोहम्मद रबी आमी खबरती नजर आप देखें तो लाइन और <coughs> मैं हूँ खुतब <विलाल> <coughs> हमारे मजाज थोड़े से ज़रा मुख्तलफ़ हैं कुछ चीज़ों को हम अपनी मजाज के मुताबिक सुन्नत कहते हैं जो कि सुन्नत की डेफिनेशन तो क्रॉस द बोर्ड क्लियर है कि क्या होनी चाहिए और अगर वो काम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है देखा है खामोश रहे हैं या उसकी ताइद की है या ताइद ना भी की हो अगर खामोशी भी रही हो तो हम उसको भी सुनत रसुल पाक सल्लमानते हैं लेकिन कमाल बात यह है कि जब रसूल वसल्लम किसी चीज़ की तायद भी करें और उसको प्रैक्टिस भी करें तो हम उसको रूहानियत कह देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी दुकान जो है वो इसी नाम से चलती है सुन्नत के नाम से चलती नहीं मैं ये तंजन बात कह रहा हूँ वो जो सहाबी आए थे और उन लोगों ने बकरियाँ ली थी क्योंकि उन उस कबीले वालों ने उनकी बहुत ज़्यादा खात तो नहीं की थी तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि ये ठीक है आपने कहा था तुम्हें मैंने सिखाया इसलिए इसमें से मेरा हिस्सा भी दो और इसके बाद कई ऐसे आपको एग्ज़ैम्पल मिलते हैं कि रसुल्बा सल वस ने ख़ुद भी दम जो है वो किया हो अब वो जो दम का लफ्ज़ हमने ईजाद कर लिया इसको दो हिस्सों में हम लेते हैं एक तो दम इस चीज़ में कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसका दम कर देते हैं जैसे कि उसका सदका कर दिया आपने उसका आपने अजाला भर दिया दूसरा जो दम है वो उंगली रख के दम करना है हाथ रख के दम करना है या किसी एक ऐसे प्रिस्क्राइब्ड तरीके से दम करना है जो करना बुजुर्ग या किसी आ, आ, बाबे ने बताया हो अब मिसाल के तौर पे तेल वाला जो दम है आ, उसको करने का कोई लॉजिक एज सच नहीं है लेकिन क्योंकि जिन्होंने सीखा है उन्होंने वैसे ही सीखा है जैसे कि उनको सिखाया गया तो ये एक अदब का तरीका भी होता है इसमें क्योंकि मैं पुराना लाहौर का रहने वाला हूँ और ये मामला जो है बहुत से बुज़ुर्गों का उस वक्त नहीं था कि वो ऐसे ऐसे इलाकों में जा के तरबियत और तालीम करते थे जहाँ के लोग नहीं जाना चाहते थे वहाँ पे सफ़दर शाह साहब होते थे और वो जो कुरान की आयात बताते थे वो सूर रहमान बताते थे सुनने के लिए लेकिन सुनने का तरीका सिर्फ ये नहीं था कि कैजुअली सुन लें उस मेरे ख्याल में दो तरीके जो थे ना वो हज़रत ने चाहते हुए या ना चाहते हुए बिल्कुल ऐसे बताए जो कि साइंटिफिक है मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आ, कारी बासित की आवाज़ में इसको सुनना है अब कारी बासित की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है तलावत करते हुए वो एक प्रसाइस है आ, उसका क्या असर होगा ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसका असर होता है फिर उन्होंने एक तरीका बताया जिसमें कि पानी पीना था ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे डॉक्टर जावेद हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद वाले, वाले खैरियत से भाले। भाले। आप बिल्कुल ठीक अल्लाह आप कब से जानते थे बाबा जी को मैं फर्स्ट टाइम टू में उनका पता चलाउजेंड टू में टू में मुझे पता चला एक साल पहले उन्हें मैंने दादा साहब की मस्जिद में देखा था रात को नमाज पढ़ते हुए शाह की नमाज़ लेट था मैं अपने दोस्त के साथ और मेरे सामने एक सजीदा हमसाई थी ये खावतीन का जो लाहौर कॉलेज है इसकी प्रिंसिपल ट्रायर हुई थी वो मुझे तीन चार माह से मेरी वालदा से कहती थी कि इसे कहो कि ये दादा साहब जाए इसे किसी ने मिलना है नौ चंदी को नौ चंदी यानी कि चांद की पहली जुमेरात मुझे नहीं पता था क्या होती अच्छा। है एक मुझे नौचंदी लफज सी थी मुझे यही दम शम पीरी फकीरी

उन दिनों बाइक होती थी और मैंने इतफाक हॉस्पिटल जाना होता था एक किलोमीटर मेरे घर से फासला तो वो उन्होंने शाम को वो खड़ी होती थी आगे तो दूसरे या तीसरे माँ उन्होंने वालदा को भी शिकायत की तो वालदा ने मुझे कहा कि तुम तो चले चला ही जाए तो मैंने इसी तरह मैं क्या अम्मी मैं दो हॉस्पिटल्स में जाता हूँ मैं किधर मैं जाऊँगा दादा साहब तो खैर वो अगला महीना भी गुजर गया इस्लामिक मंथ जो है थोड़ा

तो उसने कहा आपने क्या करने जाना है मैंने वजह नहीं बताई मैंने कहा बस यार किस लिए जाना है तो उसने कहा सर मैं बड़ा खिलाफ था दाता साहब के मेरा घर बिल्कुल साथ था शमा में वहीं पे भाटी में भाटी में तो सर एक हम तो वो बातें सुनाना शुरू हो गया कि हम तो लोगों को बेवकूफ बनाते थे जो उर्स पे आते हैं पागल होते हैं रात को हम ऊपर कंबल डाल के मुख्त वाक्यात भी सुनाता रहा कह के लगाता रहा कि लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं लेकिन सर मैं एक दिन फजर के वक्त नमाज के लिए जब उठा तो जो हमारी मस्जिद हाँ। मुसलमानों की मस्जिद भी अपनी अपनी, अपनी है हाँ। तो उसने कहा जी हमारी मस्जिद में चूंकि जल्दी नमाज होती थी वो हो गई हुई थी तो मेरे दिल में आया कि नहीं पढ़नी मैंने जमात के साथ है तो चलो चले जाता हूँ तो वो कहते हैं मैं दाता साहब एक मस्जिद भी नहीं बनी थी मुझे शौक़ था कि मैं वो देख ही लेता हूँ कहते कि वहाँ मैं एंटर हुआ तो एक तो मुझे हुआ कि यार सुबह सुबह इतनी गहमा गहमी है इधर लेकिन मैं मस्जिद में गया कि इधर तो शर्क हो रहा है तो जब मैं मस्जिद में गया तो मुझे पहली صف में ही जगह मिल गई और जब उन साहब ने किरात की हां तो वो किरात इतनी अच्छी थी कि मैंने तो आमीन ऊंचा कहना था तो मेरे मुंह से ऊंचा सुभान अल्लाह निकला आहा, आहा जो मैंने वो नमाज वहां पढ़ी उसके बाद मैंने फजर वहां पढ़नी शुरू कर दी <Dasnit> फिर मुझे कवालियों का शौक़ पड़ गया तो मैं नुसरत फतेह अली ख़ान की क्वालियाँ भी सुनता था और जब वो इधर आया होता था तो मैं कवाली हाल में जाता हाँ। तो चले मैं आपको ले जाता हूँ वो मुझे लेके गया मुझे वहाँ कोई नहीं मिला मैं मुख्तलि सोए हुए रात के ग्यारह बजे से दुआ हो रही थी स्पीकर पे मैं उसमें शामिल भी हो गया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला मैं मुख्त सोए हुए लोगों को थोड़े टुडे शुडे भी मारे कि जी मैं आ गया हूँ मिलने लेकिन कोई नहीं मिला तो फिर उसी ने मुझे कहा कि सर नमाज़ पढ़ ली हुई है मेरे नहीं यार इशा रहती है तो कहते हैं आप मस्जिद ही देखने वाली है छोड़े पर तो तो रमजान था पहली जुमेरात थी इबादत थी तो लोगों ने कोई महफले नात मुकर की थी जी जी। तो अपनी अपनी टोलियां टोलियां बनी हुई थी और अब उसके बाद लोग खा पी रहे थे तो जगह नहीं थी और कुछ सोए हुए थे मस्जिद के अंदर ही बैठे हुए थे तो मैं लोगों को फ्लॉँगता फ्लांगता कि कम से कम दो सफ़े खाली हैं नमाज पढ़नी है तो बिल्कुल महराब के सामने चला गया तो वहाँ ये के बैठे हुए थे अजरक थी एनक थी छड़ी एक पास पड़ी थी और किसी हिसाब से बातें कर बातें कर करे तो वहाँ मैंने देखा ज़रूर था और मैंने जब ऐसे किया तो इन्होंने यूँ कर दिया तो मैंने इधर से ही ऐसे करके और मैंने भी मान लिए उसके बाद ये मुझे देख ही जाते थे तो मैं इरीटेट हो रहा था नमाज में तो सोच रहा था कि यार ये बंदा क्यों देख रहा है शायद मेरा पेशेंट है या उसका कोई रेलिटिव लिया है अब इसने पहचान लिया तो मैं शर्मिंदा हूँ मुझे मिलेगा इस चक्कर में दो तीन रखते गुजर गई तीसरी रकत में मुझे इरिटेशन शुरू हुई कि यार मैं सजदा करता हूँ तो सामने है तो अब हाँ। मैं कभी अपने आप को तसली दू कि नहीं दो सफ़े हैं हाँ। एक सफ है फिर मैं चौथी में अब गुस्से में हूँ जब मेरी नजर थोड़ी सी उधर को जाए मास्क खराब जो हुई थी तो वो मुझे ही देख रहे एक शरारत सी निगाह थी उनकी तो मैंने दिल में सोचा कि इसे नहीं पता चल रहा यार नमाज पढ़ी पूरी मस्जिद में जगह नहीं है तो ये किधर गप्पे मारे इधर उधर हो जाए तो जब मैं वो सजदे में उठा उठाऊँ चौथे में तो ये चलते हुए मेरी तरफ आ रहे थे मैं कादे में था गुजरते हुए ऐसे ऐसे तीन बार किया पीछे चले गए मैंने जल्दी से इस्लाम फेर के अपना दूध पढ़ के जो भी था तो मैं पीछे मुड़ के कहीं नज़र नहीं आए तो वो दोस्त कहता है सर जेब देखे वो क्या कर रहा था आपको वो भी नमाज पढ़ा था जेब तराशना मैंने कहा नहीं नहीं मैं छंगे मारता बैठ तक गया हूँ लेकिन मिले नहीं मुझे

या पढ़ के दम करना या इन चीज़ों को तिब नबी में शामिल करते हैं बसमन रही तमाम हमद व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है बिलाल भाई आपका सवाल बहुत अच्छा है और हकीकत भी यही है कि जब कोई भी मरीज़ दुनिया भर के तमाम अतबा से इलाज करा के आजिज़ आ जाता है और कोई भी तबीब कोई भी डॉक्टर कोई भी हकीम जब उसका इलाज करने में कामयाब नहीं होता तो इंसान अल्लाह की तरफ रजू करता है उसकी किताब की तरफ रजू करता है तो देखिए ये वो इलाज है जिसे रूहानी कहते हैं और रूहानी इलाज जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे पहले इसका वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है और का पासवर्ड क्या है अच्छा थोड़ी सी आंखों के अंदर नमी आ जाए और उसके बाद बंधा सिर्फ अल्लाह कहे तो पासवर्ड पासवर्ड एक सेकंड के वक्फे के बगैर कनेक्ट हो जाता है और जैसे ये पासवर्ड भाई क्या बात की है जैसे ये पासवर्ड कनेक्ट होता है बिलाल भाई अल्लाह के अल्लाह की बारगाह से सातवें आसमान से अर्श मोल्ला से कनेक्ट होता है मतलब कहाँ इंसान दुनिया में बैठा है और अरश मौल्ला सातवें आसमान से कनेक्ट हो जाता है तो फिर परवर दिगार फरमाता है कि ये मेरे बंदे तू इसदा कर तू दुआ मांग मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा फिर बंदा रोता है और फिर बंदे को अपने मौला रसूल ख़ुदा की एक हदीस याद आती है वो हदीस ये है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि सूर अलहमद शरीफ जिसे सूर फ़ातहा भी कहते हैं इसमें सिवाय अल्लाह की रहमतों के और अल्लाह की बरकतों के कुछ नहीं है अगर बंदा इसको इकतालीस मरतबा या सत्तर मरतबा या सात मरतबा मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अहकाम जारी हुए हैं अगर बंदा पढ़ता है दिल के साथ पढ़ता है और यकीन के साथ पढ़ता है और देखिए इंसान जबलत के अतबार से फितरी तौर पर इंसान पुरसरारवतें मोज़ज़ातीवतों का कायल काई। का है जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी इंसान की फ़ितरत में शामिल है कि इंसान मोज़े चाहता है जब इंसान बहुत थक जाता है सब जगह से चक्कर लगा लगा के टकरें मार मार के जब इंसान थकता है तो सिर्फ उसकी बारगाह है इलाही की तरफ निगाह होती है और फिर बंदा चाहता है कि वो मेरे लिए मुजज़ा कर दे चाहे अमीर से अमीर बंदा हो चाहे गरीब से गरीब बंदा हो उसकी एक निगाह करम का मोहताज हो जाता है और बंदा चूँकि इंसान अल्लाह चूँकि इंसान के दिल को टटोलता है और जैसे ही टटोलता है कि सिग्नल पूरे हैं बंदा वाकई दिल से अस्तफ़ार के साथ तोबा के साथ मुझे पुकार रहा है मेरे क़ुरान की कोई आयत के ज़रिए से मुझसे रबते में है मुसलसिल मुझे, मुझे पुकार रहा है तो बंदे को अल्लाह दे देता है और ये वो दरवाज़ा है बिल भाई जिस पर अगर दस्तक दी जाए रसुल खुदा फरमाते हैं कि जिस पर अगर बार बार दस्तक दी जाए नामुमकिन है कि दरवाज़ा ना खुले दरवाज़ा खुलता ज़रूर है बस बंदे के अंदर इस्तकामत होनी चाहिए यकीन होना चाहिए सब्र होना चाहिए शुक्र होना चाहिए और इतने मोजात भरे पड़े हैं इतने वाकयात भरे पड़े हैं कि जब बंदा तो लब दब हो गया क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि तिब नब्बी जो है ये इसलूब कुरान है जी हाँ जी हाँ देखिए देखिए मार्कतुल आरा लेक्चर्स uh, हैं नबी पाक सल्लम के मारकतुल आला आरा लेक्चर्स हैं हदीस हैं ऐसी रिवायतें हैं जिसमें रसूल खुदा ने फरमाया अब जैसे आब जमज़म को पाक व हिंद के अंदर बिलाल भाई सिर्फ़ आब जमज़म को लोग कहते हैं इसको पी लीजिए तो बीमारी दूर हो जाएगी शिफा याबी हो जाएगी लेकिन असल में आब जमज़म के बारे में नबी रहमत रमतम ने क्या क्या रिशात फरमाया उनको हम तलाश नहीं करते उसमें यह है कि नबी पाक पाकल्लम के पास जब लोग आते थे बीमारियों का तस्करा करते थे तो मौला रसूल खुदा आब जमज़म को बीमारी के मुकाम पर छिड़कते भी थे सर पर हल्का सा छिड़कते थे चेहरे पे छिड़कते थे और दे दिया करते थे कि जहां बीमारी है उस जगह उसको मल लीजिए, और फिर फरमाते थे कि मरतबाफातहा पढ़ के आब जमजम को पीजिए जो भी आपको मर्ज लाक है उस मर्ज के लिए दुआ कीजिए परवरदिगार के की बारगाह में क्योंकि आब जमजम सुनता है और आज साइंस कहती है प्रोफेसर इमोतो जर्मन के, प्रोफेसर के जर्मन के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर नटफेफर जापान के जर्मन के साइंटिस्ट नटफेफर नट हैं और जापान के प्रोफेसर के इमोतो वो कहते हैं कि आब जमजम में सलायत मौजूद है कि वो सुनता है आप जिस बीमारी का तस्करा करेंगे वही दवा ये बन जाएगा और जब आप पियेंगे आपको वही जो आपको दरकार है

और इसमें जब भी पानी कम हो जाता है या हाँ, ज्यादा हो जाता है हाँ, तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज होती है और हमें उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है पानी कम हो जाए तो भी बिमार... किसी भी बीमारी के साथ अगर पानी की कमी होगी डिहाइड्रेशन हो गई हाँ, तो वो ज्यादा वर्ष कर जाएगी और अगर पानी ज्यादा हो गया और पानी ज्यादा तो तो हो गया सो पड़ गए सूझ गया जी पानी दोनों तरफ वो जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है कि घर के अंदर वैसे स्टेसिस तो अच्छी चीज नहीं है लेकिन मेडिकल टर्म जो है कि अंदर उसका एक बैलेंस रहे वो जो नेचुरल बैलेंस तो डॉक्टर साहब उस पानी के अंदर जो कि हमारे बॉडी के अंदर है कि अगर आप कुरान हकीम पढ़ें तो मेरे बॉडी का पानी जो है वो उसको रिसीव करने के काबिल नहीं है बिल्कुल आप पढ़ेंगे भी तो आपकी वाइब्रेशन जो है ये जो वाइब्रेशन हो रही है ये एनर्जी हवा में भी जा रही है और मेरी बॉडी में भी जा रही है ना वाइब्रेशन सारे हो रही है हाँ। ये जो वाइब्रेशन है जब हम बोलते हैं रेडिएशन भी होती है तो ये सारी की सारी मैं आपको गाली दूंगा तो आपको एकदम आपकी बॉडी के ट्रांसमीटर सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपके हारमोन चेंज होंगे और अगर मैं आपको वैसे ही कह दूंगा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आपको तारीफ भी आपको अच्छी आप झूठ भी कहेंगे तो अच्छा झूठ भी कहेंगे तो अच्छा लगेगा ना जी ठीक है मुनाफ्त खुश खुशामद क्या होती है तो क्या बात है वो भी है और अगर मैं आपको दिल में आपसे बुगज रख रहा हूँ हसद रख रहा हूँ तो मेरे पे असर हो रहा है उसमें भी आप पे भी असर हो रहा है मेरे पे भी हो रहा है मेरी एनर्जी आपको ट्रांसफर हो रही है आपको वो एनर्जी चाहिए नहीं थी आप तेज भाग रहे थे मैंने हल्का से पीछे से पुश किया आप गिर जाएंगे मैं वक्से पे जाऊंगा छोटे से लेकिन उसकी हदूद कोई नहीं रहती फिर वो जिस हद तक भी आप जा सके आप okay, भाई ये बताइए कि, कि के इलाज के लिए अगर कोई आए हिकमत से मेरा मतलब है कि आपके पास कोई आएगा कोई जड़ी बूटी लेने के लिए कोई इस तरह का काम करने के लिए तो आप क्या उसको एक आयत हकीम अता फरमाए तो आपने उसका इलाज होते हुए कभी तजर्बे में हमत में देखा है जी हाँ बहुत दफ़ा हुआ है एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है अभी रिसेंटली इसी वीक का वाक़ है कि कैनेडा में एक साहब हैं तकरीबन सेवेंटी प्लस हैं और बीस दिन से वो कोमा में थे वेंटिलेटर पे थे अच्छा और आँख भी नहीं खोलते थे तो उनके बच्चों ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको सिर्फ़ ये बताया कि आप जमज़म ले लीजिए और 41 टाइम दुरुज शरीफ़ अव्वलवाख़िर तक तादाद में लगाइए और आप 41 टाइम सूर अलफात क़बले की जानब रुख करके बा बुलंद पढ़िए और मरीज़ के सामने पढ़िए वो तो सो रहे हैं वो कोमा में हैं लेकिन आप उनके सामने पढ़िए अब जो दम होने वाली चीज़ें हैं ना वो फूक से दम नहीं होता है दम असल में जो शुआएँ निकल रही होती हैं पढ़ने वाले के जिसम से कुछ रोशनी की शुआँ निकलती हैं वो जाके के जज्ब होती हैं वो बॉडी इंजेक्ट करती है जज्ब करती है अपने अंदर और वो पानी भी अपने अंदर जज्ब करता है जब वो पानी पे पढ़ा गया और उन पर छिड़का गया वो पी भी नहीं सकते थे छिड़का गया तीन दिन के बाद उन्होंने माशाला से आँखें खोली हैं और अब वो सिर्फ़ आंखें खोलते हैं अभी गोयाई उनकी बेदार नहीं हुई है लेकिन जब जिस अल्लाह ने कुरान की इस बरकत से उनकी आंखें खोल दी यकीनन वो आंख उनकी फ़ोकस भी करेगी उनका ब्रेन भी फोकस करेगा और पहचानेंगे भी और गुफ्तु भी करेंगे इन अगर मैंने किसी को शहद दे दिया कलौजी दे दी या कोई सब्ज़ी बता दी या कोई खाने पीने की दालें बता दी उसके बाद मैं उनसे कहता ज़रूर हूँ ये कि आप इसके साथ सूर अलफात ज़रूर पढ़िए या सूर तोहिद पढ़िए एक वाकया आपके गोशे गुजार करूँ बिलाल भाई कि मस्जिद नबी सल्ला वसलम में नबी पाक तशरीफ़ फरमा है और तमाम असहाब कराम रजवानल्लाजमाइन भी वहाँ तशरीफ़ रखते हैं एक शख़्स आता है कहता है कि या रसूल्ला मेरे पेट में शदीद दर्द है तो मुझे कोई दवा बताइए तो मौला रसोल खुदा ने फरमाया कि जाओ गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाओ और दो दिन तक पियो जब दो दिन तक पी लो तो फिर आना फिर उसके बाद बताना तुम्हारी क्या कैफियत है दो दिन के बाद आता है कहता है कि या किसूल्ला मैं ठीक नहीं हुआ अब तमाम लोगों में खुलबुली मच गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शख्स कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हुआ नबी सा, नबी पाक ने उसे गौर से देखा और फिर फरमाया कि यही गर्म पानी के अंदर शहद मिलाओ पियो और पीने से पहले सात मरतबा सूर अलहमद सूर फातहा पढ़ना और फिर पी के आओ दो दिन फिर बताओ मुझे फिर आता है फिर कहता है कि या रसुल्ला मैं ठीक हो गया मेरा पेट का दर्द चला गया अब एक साहब कराम रजवानल्लाजमैन ने हिम्मत की और हाथों को जोड़ के खड़े हो गए कि फ़रमाया अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुरबान हो जाएं मेरे मौला फरमाइए कि क्या माजरा है दो दिन तक यही शहद वाला पानी गर्म पानी पिया ठीक नहीं हुआ दो दिन के बाद फिर पीता है फिर इसी से ठीक हो जाता है तो मौला रसूल ख़ुदा ने फरमाया कि इसको मेरी बात पर यकीन नहीं था असल में ये मुनाफ़ था इसको मेरी बात पे यकीन नहीं था लेकिन सूर अलहमद में अल्लाह ने इतनी शिफा इतनी रहमत इतनी बरकत रखी है कि सूर अलहमद की वजह से अल्लाह ने इस पर रहम किया और ये शिफ़ा याब हो गया तो यानी कि समझने की ज़रूरत यह है कि अगर रसूल खुदा फरमा दें कि सूर तोहिद को इतनी बार पढ़ लीजिए और इसको इसके बाद आप कोई भी चीज़ खाइए कोई भी चीज़ पीजिए या अपने गिरबान में दम कर लीजिए जैसे कि अगर कोई मुआजा देखना चाहता है कि मुआजा देखें कि हमारी फला बीमारी दूर हो जाए तो इमाम जाफर सादिक सलाम रिवायत करते हैं कि मेरे जद रसूल खुदा ने फरमाया कि आपको जिसम पर जिस जगह भी तकलीफ़ हो जिस जगह भी बीमारी हो सिर्फ चालीस दिन रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद नमाज फजर के बाद जिस मुकाम भी भी दर्द है मिसाल के तौर पर हाथ पे दर्द है नमाज फजर पढ़ने के बाद चालीस मरतबा अल्वल आखिर दुरुशरीफ़ के साथ एक मरतबा सूर फातिया पढ़िए फिर एक मरतबा पढ़िए बसमीम हसबून अल्लामी तबारक अल्ला अहसनुल ख़ाली वाला वाल बिल्लम चालीस मरतबा सूर फातिया के बाद ये पढ़ना है लेकिन बीमारी के मुक़ाम पर ऊपर से नीचे की जानब हाथ को फेरते जाइए ऐसे ऐसे नहीं करना ऊपर से नीचे की जानब फेरिए मैं कहता हूँ लोग मुजदा देख लेंगे आपके तबसल से लोग मुआवजा देख लेंगे इसमें इतना मुआवजा है कि 40 दिन अगर पढ़ा जाए जिस बीमारी के लिए पढ़ा जाए 40 दिन भी कंप्लीट नहीं होते बिलाल भाई

चालीस मरतबा सिर्फ पढ़िए एक मरतबा सूर अलहमद और उसके बाद बिसमिल्लम रहीम हसबाला व नैम्लवकील तबारक अल्लाह अहसन अखालक़िन व हाउला वत अलीज़ीम लेकिन बीमारी के मुक़ाम पर रसूल खुदा फ़रमाते ऐसे ऊपर से नीचे की जानब हाथ फेरिए ऊपर से नीचे की जानब हाथ फेरी यूँ गया हाथ फिर ऊपर से नीचे की जानब फेरिए आप यकीन जान बिलाल भाई मौजा देखेंगे लोग इसका मुआजा देखेंगे किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है और वो कह रहे हैं तमाम दवाइयाँ खा ली तमाम साशे घोल के पी लिए लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा पेट पर पे हाथ रखिए नमाज फ़जर के बाद ऊपर से नीचे की जाने पड़ी है किसी को गैस ट्रबल हो रही है किसी को तेजाबियत हो रही है किसी को मरोड़ हो रही है किसी को मोशन हो रहे हैं पेट पर पे हाथ रखिए तमाम अमूल अमराज यही है तमाम बीमारियों की जगह यही है यहाँ पर रख कर ऐसे पढ़िए आप यकीन करें ऐसा मुआवजा देखेंगे लोग आपको सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे इसमें इतना मुआवजा है मेरे मौला रसूल खुदा की रिवायत है और उनके ये अल्फाज हैं जो मैंने आपको बताया मैंने हज़ारों लोगों पर इसको आज़माया है और कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने मना किया कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ चंद दिन गुज़रते हैं कभी कभी तो हमने देखा है अगर एसिडिटी शदीद है तो थोड़ी देर के बाद एसिडिटी 40 मरतबा पढ़ने के दौरान से पहले ही ख़त्म हो जाती है अगर किसी के सर में दर्द है उसमें सर पे पड़ा, उसने सर में दर्द के दौरान 40 मरतबा उसके पढ़ने की क्वांटिटी भी कंप्लीट नहीं हुई उससे पहले ही वो कहता है मरीज़ के मेरा सर का दर्द गायब हो गया ये कुरान मजीद है कुरान मजीद में मुआज़ा है इसमें एजाज़ है अल्लाह का ऐसा एजाज़ छुपा हुआ है कि बनिनो इंसान ने इस पर तजर्बे किए हैं इसके मौज़ों के शवाहिद मौजूद हैं दुनिया की तमाम किताबें भरी पड़ी हैं ज़मीन से लेके आसमान तक अगर लोग इसकी तारीफ़ें करें कुरान करीम की तो यकीन जानिए फिर भी इसकी तारीफ़ पूरी नहीं होगी इसका हक अदा नहीं होगा परवरदिगार ने ऐसा तोहफ़ा दिया अपनी तरफ से इंसानियत को कि इंसान सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़ा रहे तो वो भी कम है अगर किसी का बुखार नहीं उतरता मैं गारंटी देता हूं अगर किसी का बुखार नहीं उतरता तो वो थोड़ा सा आब ज़मजम में ख़ाके शिफा मिलाए और कबिल की जानब रुख करके शीशे के एक जर्फ पर शीशे के एक बर्तन पर सिर्फ आय सुर यासिन की एक लाइन एक आयत लिख ले बसमान रहीम सलामौला मिन रब रहीम ये एक दफ़ा लिख ले और इसको उसी आब जमज़म से घोल कर पानी से धोकर उसको पी ले अगर 106 भी बुखार है बिलाल भाई आपके प्रोग्राम में जुमले अदा कर रहा हूँ इसके एजाज़ देख रखे मैंने अगर 106 भी बुखार है चंद दकीकों के बाद थोड़ी सी देर के बाद वो बुखार मरीज़ को छोड़ के चला जाएगा कुरान करीम में बड़ी रहमत है क़ुरान करीम में बड़ा एजाज़ है सिर्फ़ आपको यकीन की दौलत के साथ यकीन की दौलत के साथ आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना है उसके अलावा कोई दामन नहीं है किस दामन को थामेंगे आप अगर कोई दवा फायदा नहीं कर रही कौन सा दामन ऐसा है जिसको आप थाम लें सिवाय अल्लाह के दामन के अल्लाह की रस्सी को उसको थामना है और गिरिया करना है और मैंने शुरू में आपके प्रोग्राम में ये ये अर्ज किया अगर कनेक्टी कनेक्ट कनेक्टिविटी करना है अगर वाईफाई को कनेक्ट करना उसके साथ रबता बनाना है तो सिर्फ आप आंख नम आँखों के साथ एक दफा कहिए अल्लाह ये वाहिद पासवर्ड है जो सिर्फ

नॉन मुस्लिम भी ठीक हुए यही सूल रहमान की किरात लगाने से भी और उनमें कई जो फालिज के मरीज थे नॉन मुस्लिम उन्हें कसीदा बुरदा शरीफ सुनवाया गया ठीक है अच्छा तो उनका फालिज भी जल्दी ठीक हुआ ये कैसे कहा जा सकता है कि ये कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में सू रहमान कारी बासित की आवाज़ में और बग़ैर तर्जमे की और बगैर तर्जमे अब असल में वहाँ लफजिन के लिए शिफा है और अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इशारा दिया है कि मजूसियों में भी कई मोमिन हैं भी भी, में भी, जिनका पेट खराब था और उनको शहद से उन्हें एलर्जी भी थी और उन्हें इस हाल था जो वाक मुझे याद है दस लूज, थे, मोशन थे। लूज, मोशन थे। लूज मोशन थे और उन्होंने आके कहा उन्होंने कहा शहद खाओ तो उन्होंने कहा तो पहली डायरिया लगाओ मैंने कहा ना शहद खा

तो सरकार आ, ने कहा था कि ते, तेरा पेट के नाम पे शायद बनता नहीं था शायद मखी बनाती थी शायद मखी बनाती थी शायद की मखी बनाती थी और द्रद पाक तो हम एज ए बैसीत मुसलमान तो हम जानते हैं कि वो तो ऐसी ऐसा अमल है जो क्यामत भी सरजद हो जाएगी आ, ये नहीं रुकता ये नहीं रुकता ये वाहिद वो चीज़ है और मुझे समझ नहीं आती ये इबादत नहीं है ठीक है ये कुछ और ही चीज़ है तो ये, ये अल्लाह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो, जारी रखेगा, आ, तो ये जब कोई ऐसा शख्स यकीन ना रखता हो जी जी मोमिन में से निकाल दें उसको मुस्लिम में से भी निकाल दें और वो सुने कलाम अल्लाह का और आप उसे कहें कि ये सुनो क्या उस पर असर हो सकता है साइंटिफिकली साइंटिफिकली हो सकता है इस तरह हो सकता है कि कफारे मक्का कहते थे कि ने पड़े मसाल दिए क्या या, होता या, या उसकी बात ना सुनना वो जादू कर देगा, कर देगा। जादू हो जाता है। आ, अगला बंदा उसका गर्विदा हो जाता है यही है ना बेहतरीन मसाल दिया अब वो आमिल होगा ना